तय करना है कि दो विचारधारा के लोग आपके बीच में आए हुए हैं। एक तरफ गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा की आवाज बनके हर जगह लड़ने वाले गरीबों के बेटा हमारे बड़े भाई राजू यादव जी हैं, दूसरे तरफ समंतवादी सोच और मनुवादी सोच और ताकतों को मजबूत करने वाला प्रत्याशी यहाँ के वर्तमान सांसद है। शांति साथियों, बहुत ही भली भांति आप लोग जानते होंगे, कल या परसों की ही घटना है नवादा वैन की घटना, किस तरह समंतवादी सोच के लोग तमाम गरीब दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा पे लगातार हमला करने का काम कर रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में भी समंतवादी सोच के लोग और मनुवादी सोच के लोग तमाम इसी तरह से दबे कुचले दलित पिछड़ा पे प्रहार करने का काम करते हैं, लेकिन उनको यह ज्ञान नहीं है कि हमारी आबादी 85% है और 85% वाले लोगों को जो व्यक्ति दबाने का काम करेगा, ये 85% के लोग जिस दिन जग जाएंगे समंतवादी और मनुवादी सोच के लोगों को रहने का भी जगह नहीं मिलेगा। साथियों, कल के ही घटना है, हमारे एक माननीय विधायक जो मुनीता यादव जी हैं छपरा में, उन पर समंतवादी सोच के लोगों ने षड्यंत्र के तहत उन पर हमला करने का काम किया है। मैं तमाम दबे कुचले दलित पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक परिवार के लोगों से मैं प्रार्थना और विनती करूंगा कि ऐसे समंतवादी सोच के लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब एबीएम के माध्यम से नहीं देंगे, तो ये समंतवादी सोच के लोग दबे कुचले पे हमेशा प्रहार करने का काम करेंगे। साथियों, एक तरफ कारपोरेट चलाने वाली सरकार हमेशा अंडानी और अंबानी को बेनिफिट पहुंचाने वाली सरकार है और दूसरे तरफ गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का महागठबंधन बना है और महागठबंधन से माले को समर्थन दे करके और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के जवान गरीबों के नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी राजू यादव को आशीर्वाद दे करके और आप लोगों के बीच में भेजने का काम किए। मैं तमाम दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों से कहूंगा, ये भोजपुर की लड़ाई ये आम लड़ाई नहीं है, हम लोगों की अधिकार की लड़ाई है, हम लोगों की स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे आरक्षण की लड़ाई है, हमारे संविधान की लड़ाई है, हमारे SC ST एक्ट की लड़ाई है। साथियों, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे भोजपुर में किस सोच के समंतवादी और मनुवादी सोच के व्यक्ति हम लोगों के बीच में आकर के कहता है कि हम विकास के गंगा बहाने का काम किया हूं।